और ज्यादातर हम आलोक सर और विनोद सर का कहानी सुने और इस पर मैंने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखा है, आप लोग सुनिए और इसको एंजॉय कीजिए। तो कहानी ये है, कहानी का पहले नाम जान लीजिए, हलचल। तो कोई भी दिल में कोई बात होती है तो अंदर में हलचल होता है, तो कहने से दिल हलता है। अति उत्तम। तो अक्सर हम लोग की जब बात होती है तो हलचल हम लोग उनका सुनते हैं और उससे मैंने कहानी बनाया, सुनिएगा और थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से टॉपिक क्या है, बैंगलोर से टॉपिक क्या है, पोयम 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 एंड पोयम का नाम है सर हलचल। गूगल करिए मिल जाएगा। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नरम हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बेशरम हूं। पत्ते की तरह कांप जाता हूं, पत्ते की तरह कांप जाता हूं, पत्ते जैसे है भी पत्ते जैसे है भाग जाता हूं, पत्ते की तरह कांप जाता हूं, बोल बोल के हाफ जाता हूं, इसलिए कम बोलता हूं, मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूं। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, कोई एहसान नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो, क्या ऐसे ही घर चलाती हो। शादी को हो गए 10 साल, अकल नहीं आई, सफेद हो गए बाप। वाह। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है मगर तुमसे अच्छी है, पड़ोस में देखो बच्ची है मगर तुमसे अच्छी है। कहने का तात्पर्य है कि सर अक्सर बताते हैं कि देखो कमा के पतो आई है, कितना अच्छा रहती है, तुम कैसे रहती हो। घर कांच सा चमकता है और अपना देख लो, देख कर खून झलकता है। कब से कह रहा हूँ तकिया छोटा है बढ़ा दो, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो, चढ़ाना तो दूर रहा, निकल निकल कर रुई आधा कर दी और रुई की जगह कपड़ा पहन। गिलाफ का मतलब होता है उसका कवर, कवर समझ गया सर। आप उर्दू है क्या सर? कितनी बार कहा चीजें संभाल कर रखो, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, कितना खोजा और रुमाल की जगह पैंट से आया मोजा।